एक समय था जब मोबाइल की दुनिया में नोकिया 3310 टॉप का मोबाइल फोन माना जाता था। इस मोबाइल की लंबी चलने वाली बैटरी इसे खास बनाती थी, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि यह मोबाइल फोन दोबारा से लॉन्च हो सकता है। खबरों के मुताबिक इस फोन की कीमत 59 यूरो यानी करीब 4200 रुपए होगी। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इस मोबाइल की रिलॉन्चिंग फरवरी के अंत तक हो सकती है, लेकिन सूत्रों की माने तो स्पेन के बार्सिलोना में होने जा रहे टेक इवेंट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में इसे रिलॉन्च किया जा सकता है। दरअसल नोकिया 3310 को सबसे पहले साल 2000 में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद अपनी शानदार बैटरी और बेहतर नेटवर्क कवरेज के चलते यह फोन सभी का चहेता बन गया। कंपनी इसे दोबारा इसलिए भी लॉन्च कर रही क्योंकि आज भी लोग अपने पास स्मार्टफोन के साथ एक दूसरा फोन भी कैरी करते हैं जो इमरजेंसी में काम आता है। ऐसी सिचुएशन में लोगों की मदद करने के मकसद से कंपनी इस फोन को दोबारा लॉन्च करने जा रही है। फिनलैंड की कंपनी HMD ग्लोबल के पास नोकिया ब्रांड का लाइसेंस है और यह कंपनी नोकिया के इस मोबाइल को दोबारा से लॉन्च कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही HMD ग्लोबल ने नोकिया 6 नाम से एक एंड्रॉइड फोन भी लॉन्च किया है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि कंपनी की योजना मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में नोकिया 3310 को रिलॉन्च करने के साथ साथ नोकिया 3 और नोकिया 5 को भी लॉन्च करने की है।